Hi guys. सो गुड मॉर्निंग माई लवली पीपल्स, की हाल चाल, सारे अनु सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो जी आज अपन जा रहे हैं वापस से अपनी जानेमन को लेने, अपनी बेगम साहिबा को लेने, और आज हम उसका नामकरण भी चेंज कर देंगे, ब्लैक एंजल सुपरमैन से कुछ अलग हटके नाम निकालेंगे और वो नाम परमानेंट रहने वाला है। तो अभी मैं, आयुष और अंकित और एक और बंदा है उदयन, जो आज हमारे साथ जयपुर जा रहा है, तो अभी अपन वहाँ जाके देखते हैं, गाड़ी में बात करते हुए जाएंगे कि अपनी बेबी का क्या नाम रखा जाए, क्या ना रखा जाए। एनीवेज भाई लोगों, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अब टाइम हो चुका है 9:30। आयुष रेडी है, अंकित रेडी है और उदयन भी रेडी है, और अपने को पहले डलवाना है यूपी जाके, क्योंकि आपको पता है यार यूपी में डीजल बहुत सस्ता है। यहाँ से जा रहे हैं अपन भाई लोगों गाड़ी पर, वहाँ से आएंगे अपन अपनी बाइक पर। पीछे में जैकेट रेडी है, अपनी राइडिंग जैकेट रेडी है, अपना हेलमेट रेडी है, और एक अपने पास ना भाई बहुत सही जुगाड़ आई है, दिखाता हूँ क्या आया है। बस इतना जान लो, द बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। तो चलो जी, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने, देन जल्दी से फिर अपन को निकलना भी है वापस जयपुर के लिए। तो चलो जी, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, करते हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इसके बाद सीधा निकलना है जयपुर। आयुष अंकित रेडी बैठे हैं, कल को आज मैं वैसे उनको डायलॉग मारता हूँ, नहीं तो वो मेरे को डायलॉग मार देंगे। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ उसमें है क्या। इसमें भाई अपने HJC का वाइजर मंगवाया है ब्लू कलर में, मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्डर किया हुआ था। आकाश भैया को, आकाश भैया बाइक गियर्स के ओनर हैं, आप किसी भी भाई एग्जॉस्ट वगैरह सुपर बाइक का कोई भी सामान या फिर कोई भी अच्छी कंपनी की जैकेट राइडिंग पैंट्स गियर्स वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो ना, bikegear.com खोल लेना, मैं फिर भी इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा। आपको ना भाई कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कोई गलत आइटम खरीदा है या फिर कुछ भी है, मेरे को लिटरली बहुत पसंद है वो साइट, खुद से पर्सनली बता रहा हूँ। जो चीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, खास करके बाइक्स सुपर बाइक्स को लेके, और कुछ पार्ट्स से कुछ एसेसरीज ऐसी होती हैं जो आपको चाहिए होता है बट वो अवेलेबल नहीं होती है इंडिया में, तो आई एम डैम श्योर कि आकाश भी आपको वो सब कहीं ना कहीं से अरेंज करवा देंगे। तो अब मैं अपन करते हैं भाई जल्दी से अनबॉक्सिंग जो अपन ने मंगवाया है, चलो लेट्स गो। अब रहा नहीं जा रहा मुझसे भी, आ जाओ जी। तो ये जी ओरिजिनल HJC का ही आएगा, आप देख सकते हो ब्रांडिंग इसकी ओरिजिनल HJC की है। गाइज लुक एट दिस, अपना हेलमेट अलग ही लुक मारेगा, आई एम डैम श्योर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले अपना ओरिजिनल हेलमेट, जो इसमें साथ में जो स्टॉक मेरा रहता है, एक ये आता है और एक नॉर्मल वाला भी आता है, वो भी रखा हुआ है मेरे पास, वो नाइट में ही यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ से इसको जल्दी से चेंज करते हैं, उसके बाद लगाते हैं सीधा भाई लोगों ब्लू वाला, मेरा बहुत मन कर रहा है आज उसी से ही, वापस में जब आएंगे तो वही मिरर वाला, वही वाइजर लगा के राइड करके आऊँगा, आई एम डैम श्योर। तो चलो जी, इसको एक बार जल्दी से चेंज करके इसका भी लुक दिखाता हूँ, उसका भी दिखाता हूँ भाई लोगों लुक। तो मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर से बताना कि ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लगा आपको कि ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना भाई लोगों। और अभी ज़्यादा देर नहीं करते, निकलते हैं जी जल्दी से जयपुर के लिए, आयुष और अंकित को लेना है, और ये वाला वाइजर मेरे को पैक करके भी रखना है अच्छे से, कोई ख़राब ना हो। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं सीधा गाड़ी पर। सो फाइनली अभी निकल चुके हैं जयपुर की तरफ, अभी आए थे पहले यूपी, यूपी में डलवाया अपन ने डीजल टैंक करवाया फुल, और भाई आज तो गए लुट, 55 लीटर डीजल आया, और भाई 5128 मतलब 5200 रुपये का मोटा मोटा पेट्रोल डीजल आया है इसमें। कोई बात नहीं जी, अब डलवाना तो है, ये गाड़ी पानी से तो चलने से रही। और एज यूजुअल आयुष अंकित और एक नया मेंबर है उदयन आ चुका है भाई, और अभी चल रहे सीधा जयपुर, उठानी है वहाँ से बाइक भाई। और अंकित की मम्मी ने तो पहले ही कह दिया था निकलने से पहले, बेटा टाइम से जाना, दशहरा है, पूजा होगी भाई वगैरह होता है, तो टाइम से तो आना ही पड़ेगा। और पहले आ रहे थे भाई अपन उदयन की थार लेके, उदयन क्या हुआ थार का बेटा, पापा ले गए आगरा? पापा तो आगरा ले गए? नहीं नहीं खड़ी तो हुई थी, तुमने कल ही यो कह दी थी कि दूसरी से चलेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी।
इसका एवरेज थोड़ा सही है और थोड़ा सामान भी रख के लेके आ रहे हैं। हाय गाइस, बिना किसी देरी के सीधा निकल चुके हैं भाई जयपुर की तरफ और अपना वही एज यूजुअल स्टॉप होने वाला है सीधा मानपुर पर। मानपुर पर खाएंगे भाई एक एक कचौड़ी तो चाहिए कम से कम, सुबह से भूखे निकले हैं। और वैसे हम जिम करने वाले हैं, जिम फ्रीक्स। हाँ भाई, सारे जिम फ्रीक्स हैं तो वैसे मोस्टली। मैं खाया है उद्यान, तो देखो ये डोले शोले दिखाना चालू कर दिया उद्यान ने। तो दो बनाना खा के आया हूँ, एक एप्पल और तीन मूली के परांठे। तो तीन मूली के परांठे। तो बेटा आपको कमी करे बस हो गया हमारा। तो मतलब आप पूरे दिन कुछ नहीं खाओगे? अरे नहीं ऐसी बात, चलाना अभी चलाने वाला अगर मूली के पराठे की वजह से बेहोश हो गया तो कौन लेने कौन होगा इसका? ये सब नाटक है अंकित प्राइवेट लिमिटेड की। हाँ, ऐसा ना हो कि इसका जो खर्चा बने कल को वो मम्मा के सर पर जाए कि आपने क्यों खिलाए थे इसको मूली के पराठे, हमारा ड्राइवर बेहोश हो गया, कहीं दे मारी तो और लो लेने के देने पड़ जाए। नहीं भाई कोई नहीं, बट ठीक है, पप्पू है साथ में हमारे। यशु का आशीर्वाद भी है। और यशु अगर आप देख रहे हो तो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। रेडबुल तो चाहिए बिल्कुल मॉर्निंग की यार, सुबह सुबह तो देखो चाहिए यार, एक सुबह में और एक शाम को आते वक्त जरूर से होने वाली है, दो रेडबुल तो आज होने वाली है। तो अभी पिक करते हैं जल्दी से रेडबुल और साथ में छोटा मोटा हल्का फुल्का जो भी कुछ खाएंगे पियेंगे वो ले लेते हैं। तो शांत है जा। सो भाई लोगों, अभी भरतपुर से निकल के करीबन आ चुके हैं 50 किलोमीटर अराउंड और सीधा रुकने वाले हैं अभी मानपुर। वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, एक कचौड़ी वगैरह जो भी अच्छा मिल जाएगा खाने के लिए। और यार आज है ना अपने कैमरे की बैटरी लो है तो अभी इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। और यार एक चीज़ मंगवाई और रखी है मैंने प्रोटोनिक्स की, बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को, फास्ट चार्जिंग है AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए और साथ में दो USB भी लगा सकते हो आप। और USB चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, एक में लगाई हुई है मैंने GoPro की बैटरीज, ये देखो जी GoPro की बैटरी, और एक पॉइंट पे लगाया हुआ मैंने GoPro 360 चार्जिंग पे। तो ये भाई मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। और अभी AC टू DC लगाने वाला हूँ मैं इसको, जो अपन को करनी है DSLR की बैटरी चार्ज। तो आगे आपको सीधा मानपुर में मिलते हैं, तब तक के लिए छोटा सा बाय बाय। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं अपन मानपुर और अभी बाहर निकल चुके हैं सारे के सारे। मैं थोड़ा व्लॉग एंड कर रहा था, एंड किया मैं बता रहा था कि अभी अपन जा रहे हैं कचौड़ी खाने के लिए और थोड़े से देर में फिर वापस से मिलते हैं अपन कचौड़ी खाने के बाद, जब तक अपन एंजॉय करके आते हैं कचौड़ी। अपन ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उद्यान ने खाई थी कचौड़ी और मैंने भाई ब्रेकफास्ट में आज अलग टेस्ट किया था, एक मिर्ची बड़ा और एक ब्रेड पकौड़ा। अंकित ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आया था और फिर मैंने व्लॉग में बोल दिया था तो इसलिए इसने खाया भी नहीं, इसका मन भी था। तो अभी जयपुर की एंट्री पर पहुंच चुके हैं, कानों तक क्रॉस कर लिया है अपन लोगों ने। और अभी एक बनाई थी एक छोटी सी रील, वो भी जैसे मस्ती एंड मजाक में, जिसमें हम सारे थे चारों की चारों, और वो रील बहुत मतलब मजाकिया बनी थी। तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना, नीचे में मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर ID आ रहा है, जाके ध्यान से एक बार चेक कर लेना, बहुत फ़नी वीडियो बनी थी, बहुत फ़नी रील बनी थी। तो एक बार जाके ना यार चेक ज़रूर करना। और ये जो पीछे बैठा है ना अंकित, इसको बहुत ज़्यादा खुरकुर हो रही है कि क्यों डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी। और ये उद्यान, दुनिया के फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए, बोल रहा भैया 3 फॉलोवर हो कट गए। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, खुद को आज चाय नहीं मिली है। कौन सा मूंगफली का छिलका? तो कोई बात नहीं थी, बस जयपुर में एंटर हो चुके हैं। अभी यहाँ से पहले सीधा चलेंगे सेरेमिक प्रो, जहाँ अपनी बेबी खड़ी है। तो सीधा चलते हैं अपनी बेबी के पास, उसके बाद आपसे कुछ बातें शाते करते हैं। जयपुर में एंट्री होते ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है और टनल आने वाली है, तो टनल का जो भाई ठंडक मिलती है ना उसमें जाके, हाँ हाँ मतलब एकदम दिन से रात हो जाना और रात से दिन हो जाना, तो अल्टीमेट सीन अलग ही होता है उसमें। तो उस टनल में ना बहुत सुकून मिलता है यार सीरियसली। और बाकी छिलका भाई आराम से मस्त बैठे हैं और ड्राइवर साहब को चाय पीना नहीं, ड्राइवर साहब कहाँ पियोगे चाय आप? अभी पता चलेगा कहाँ पियेंगे, अभी पता लगेगा। ड्राइवर साहब वैसे हल्के फुल्के ड्राइवर नहीं है, टपरी पे बैठ के चाय पीने वाले।
रेड बुल से नीचे बात नहीं करते, ड्राइवर साहब चाय नहीं पीते। अच्छा तो टपरी पे पियेंगे रेड बुल? लेट्स सी। तो ये लो जी, बात करते करते पहुंच गए हैं जयपुर और अभी सीधा चल रहे हैं यहाँ से सेरेमिक प्रो। सेरेमिक प्रो पे मेरे को एक अपनी जो हायाबुसा की ग्रिल है वो देनी है कोटिंग के लिए। देन उसके बाद अपन जाएंगे सीधा सुजुकी। सुजुकी बस थोड़ा सा पास में ही है वहाँ से। सुजुकी में मैंने एक पार्ट डलवाया था तो उसका मुझे कुछ पेमेंट रह रहा है, वो पेमेंट देना है। और क्या डलवाया था मैं ये भी बता दूंगा, और क्या डला कितने का डला वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, इस व्लॉग में आपको नहीं मिलने वाला। तो अभी चलते हैं सीधे से सेरेमिक प्रो, वहाँ से ग्रिल दे के आगे की तरफ निकलेंगे सुजुकी पर। तो फाइनली अभी अपन पहुँच चुके हैं जी सेरेमिक प्रो पर, ये आपके सामने सेरेमिक प्रो। तो अभी चलते हैं अंदर हायाबुसा को लेने के लिए जल्दी से, और ये वाला व्लॉग मैं करने वाला हूँ यहीं पर एंड। भूसा मिलेगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए, और होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।